नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार में आने वाले तूफान को लेकर तो के बाद, अब एक बार फिर से बिहार में एक तूफान का खतरा बन रहा है मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवात यास 26 और 27 मई को बंगाल की खाड़ी में टकराएगा मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इसका असर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर पड़ेगा उड़ीसा के पास होने के कारण यहाँ भी इस तूफान का असर देखने को मिलेगा मौसम विभाग की तरफ से अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इस तूफान के आने वाले समय में कितना खतरा होगा मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आने वाले एक दो दिन में यह साफ़ हो जाएगा कि बिहार में इसका कितना असर होगा और इससे कितना नुकसान होगा आपको बता दें कि अभी बिहार में तोपते तूफान का साइड इफेक्ट बना हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है इधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दरभंगा वैशाली पटना समस्तीपुर अरवल और जहानाबाद में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर जारी अलर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में दो दिन बाद यानी कि 22 मई को कम दबाव क्षेत्र बनना शुरू होगा ऐसा आकलन है कि इसके बेहतर घंटे के बाद कम दबाव के क्षेत्र में यह चक्रवात बन जाएगा मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी के अनुसार यास का असर यह होगा कि बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तेज हवा चलेगी बारिश भी होगी हवा की तीव्रता कम से कम प्रति घंटे 70 किलोमीटर की होगी विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसके असर को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दो दिन बाद बिहार के लिए चेतावनी जारी की जाएगी इधर तौते तूफान के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार एवं मध्य प्रदेश में बने चक्रवात के कारण गुरुवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में घंटों तेज बारिश हुई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर से आए तूफान के बाहरी भाग में बने दबाव के कारण उत्तर प्रदेश बिहार एवं मध्य प्रदेश में चक्रवात का प्रभाव है इस तरह से स्थिति अगले दो दिन तक बनी रहेगी इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा पटना मौसम केंद्र के निदेशक संजय कुमार का कहना है कि अरब सागर में आया तूफान तोकते समाप्त हो गया है लेकिन इसके बाद भाग में छाई नमी से उत्तर प्रदेश और बिहार में आकाश में बादल छाए हुए हैं राज्य में सबसे ज्यादा बारिश मोहानिया में 60 मिलीमीटर mm रिकॉर्ड की गई वहीं दिनारा एवं शिवहर में 50 मिलीमीटर mm, पटना एवं मोतिहारी में 40 मिलीमीटर mm बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश में मई में सामान्य से एक सौ एक फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है सामान्यतः प्रदेश में एक से उन्नीस मई तक प्री मानसून के दौरान उनतीस मिलीमीटर mm बारिश होती थी लेकिन इस वर्ष इस दौरान उनसठ मिलीमीटर mm बारिश रिकॉर्ड की गई है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मई के महीने में रिकॉर्ड बारिश की गई है जैसा कि मौसम विभाग ने कहा कि 101 फीसदी अधिक बारिश मई के महीने में हुई है और ये जो कारण है वह है तो तूफान के कारण जिससे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका असर देखने को मिला इससे सबसे ज़्यादा असर जो है गुजरात गोवा महाराष्ट्र केरल इन राज्यों में जो है सबसे पहले देखने को मिले था उसके बाद तोफ्ते का जब असर खत्म हुआ है तो इसका साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है तो अभी जो जानकारी जो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है उसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव होने के कारण यास चक्रवात जो है एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है और इसका असर बिहार और उड़ीसा में देखने को मिल सकता है बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद